व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज नेहा। होप सो तुझे सारे ये सारे जने बहुत 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 बढ़िया होंगे। सो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एंड आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है, बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि ऑनेस्टली हम सब भूल चुके हैं जो फार्म टेस्टिंग हो रही थी, हम लोग उस चीज को बिल्कुल भूल चुके हैं। क्योंकि हम लोग पहले नए नए जब ये मुद्दे उठे तो हम काफी ज्यादा सीरियस थे, हम लोग सारे काफी ज्यादा सीरियस थे, काफी सारे सॉन्ग्स पे बन के आ रहे थे। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि हम लोग जो है उस चीज को बिल्कुल भूल चुके हैं। वैसे तो अभी कोविड की वजह से वैसे भी लोग बहुत परेशान हैं, एंड अगेन जो इस टॉपिक को लोगों ने उठाया था वो टॉपिक फिर से दब गए हैं, हम लोग भूल चुके हैं। एंड बहुत सारे सॉन्ग जैसे आ रहे हैं, गाना आया है जस बाजवा का, गाने का नाम है आई थिंक होप का, यही नाम है। इस गाने की लिरिक्स कंपोजिशन है बाय जस बाजवा, म्यूजिक फ्लेम म्यूजिक का है। एंड मुझे काफी सारे कमेंट्स आए थे, काफी सारे तो नहीं वैसे लेकिन आए तो थे। एंड हमारे एक सब्सक्राइबर है, हमने कहा था कि गाना आया है जस बाजवा का, गाने का टाइटल है होप का, आई थिंक यही है नाम, क्योंकि वहां पे पंजाबी में भी लिखा हुआ था लेकिन पंजाबी मुझे समझ में नहीं आती है। सो लगे पता देख के शायद उन्होंने बीच में गाने में बोला होगा। सो गाने के व्यूज जो है वन डे में 6 लाख, गाने आया है जस बाजवा के ऑफिशियल चैनल पे। एंड हम लोगों को जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम लोग भूलते जा रहे हैं जो भी हुआ है। सो ये गाना मुझे भी काफी ज्यादा मन था कि मैं सुनूं, इतने दिन हो चुके हैं कोई भी गाना आए हुए। सो अभी हम इसको सुनेंगे कि क्या जस बाजवा ने कहने की कोशिश करी है इस गाने में। सो बाकी आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉलो मुझे आप वहां पे जाके जरूर करो। आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगी मुझे वहां पे बता दो या फिर यहाँ पे बता दो, एज योर विश। एंड बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे चैनल पे, जरूर 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 विजिट करो एक बार। सो अभी हम चलते हैं गाने की तरफ, लेट्स प्ले द वीडियो। ठंडा पै गया आज मुड़ के गर्म कर दी है, टोला विच सत्ता दे जाके चलो बशर्म कर दी है, हुण तां कम है कंडिया ते दिल ठंडा कहा तो पाया है। अमेजिंग सॉन्ग इसको बोलते हैं, काफी टाइम के बाद जो उन्होंने सभी को याद दिला दिया है कि आजो मुंडिये मुंडियो चलिए तरने तो होका आया है। तो हम लोग मैंने भी यही लाइन कही शुरू में कि हम लोग जो है भूल चुके हैं, लेकिन जस बाजवा ने अपने इस गाने से सभी को रिमाइंड जरूर करवाया होगा। जिन लोगों ने ये गाना सुना होगा उनको जरूर याद आई होगी कि
ऐसा भी कुछ है जो हमें सोल्व करना है मैटर। तो ये मतलब गाना जो है उसी के लिए है, क्योंकि जस बाजा ने भी नोटिस करा होगा, मैंने करा तो उन्होंने भी करा होगा कि काफी टाइम हो चुका है और हम सब जो है पहले मतलब बहुत ज्यादा कहते हैं ना जोश में थे, लेकिन अभी वो जोश ठंडा पड़ चुका है। तो उन्होंने उस जोश को फिर से जगाया है कि हमें अभी बहुत ज्यादा जो है मेहनत बोल सकते हैं, मेहनत करनी है हमें, अपना जो है वो राइट लेने। हमने कहा है कि खेती को आजाद कराएं, बहुत ही शर्म की बात है ना कि जो गवर्नमेंट है बिल्कुल भी अपने बेकार के इरादों को लेके बैठी हुई है। सो उन्होंने कहा है कि हमें अभी जंग जीत के आना है, ऐसे बीच में जो ठंडे नहीं पड़ना है। तो ये सभी के लिए एक अलर्ट बोल सकते हैं कि वो है जस बाजवा ने दिया है, एंड मुझे तो बहुत पसंद आया है सॉन्ग। होप सो कि आपको भी आया होगा, आया ही होगा आपको, क्योंकि मुझे एक हफ्ते रिक्वेस्ट आई थी। सो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जो गाने की ओरिजिनल वीडियो है उसको भी जाके जरूर चेक करो, ताकि इस पे ज्यादा व्यूज आए एंड लोग इस गाने को सुने और देखें और उन पे ज्यादा से ज्यादा असर पड़े इस चीज का। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखें, घर पे रहें, सेफ रहें, एंड घर पे होके भी किसानों की जरूर मदद करें, जितना आपसे होता है उतना करें। सो बाय बाय।